नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। गरौठा गांव बने आदर्श गांव, ऐसा कहना है गांव के प्रधान का। हमने शौचालय व सड़कों का निर्माण करवा दिया है और साथ ही एक गौशाला व मरघट भी बनवाया है। आइए देखते हैं क्या कहा प्रधान ने हमारे संवाददाता विशाल सक्सेना से। नमस्कार, ए लाइव 24 में आपका स्वागत है। मैं हूँ विशाल सक्सेना और आज मैं मौजूद हूँ गरौठा गांव में। हमारे साथ यहाँ प्रधान जी भी मौजूद हैं और हमने यहाँ गांव का सर्वे किया और मुझे ऐसा लगता है कि आदर्श गांव के रूप में गरौठा गांव को शामिल कर लेना चाहिए। हम प्रधान जी से बात करेंगे कि आखिर इतना विकास काम उन्होंने कैसे कराया और क्या क्या कार्य रह गए हैं बाकी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस खास कार्यक्रम में। क्या लगता है सर, आपकी सारी सड़कें बनी हुई हैं, सारे शौचालय लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, हमने जहाँ जहाँ सर्वे किया, क्या लगता है कैसे इस काम को संपन्न कर पाए? मेरे यहाँ 400 शौचालय बने हुए हैं और समथिंग 300 सिलेंडर कभी मैं पब्लिक को बंटवा चुका हूँ। और मुख्य काम मेरे यहाँ दो काम बहुत बढ़िया हुए हैं, वो ऐतिहासिक काम है। मेरे टाइम के लोग मुझे गुणगान करेंगे, याद करेंगे, जिसके एक शमशान भूमि है, बहुत सुंदर मैंने बनाया है उसको, देखने दिखाने लायक बनाया है उसको। दूसरा काम मेरा मुख्य काम है एक गौशाला जो 80% बन चुकी है, अभी 20% उसमें काम रह गया है और बाकी सभी काम मेरे गाँव के विकास पूर्ण हुए हैं, सभी काम पूरा हुआ है। अच्छा, कुछ गांव वाले, कुछ प्रधान कहते हैं कि हमें पैसा नहीं मिल रहा, हमें सरकार पैसा नहीं दे रही है, हम कहां से विकास करें, लोगों को धोखे में रखते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, पैसा सरकार खूब दे रही है, ये तो प्रधानों पर डिपेंड करता है। अरे कुछ प्रधान ऐसे हैं जो मतलब काम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, अधिकारियों से डरते हैं, वो अपनी बात कहने में सक्षम नहीं है, तो इसलिए सरकार की कोई दोष नहीं है। सरकार ने बहुत बढ़िया काम कराया है और सरकार की वजह से आज हमारा गुणगान हो रहा है। आज सरकार द्वारा रिपीट हुई है तो ये विकास का ही मामला है। बिल्कुल, तो यही मेरा आपसे कहना है। बिल्कुल, क्या आप चाहेंगे, आपको बतौर नगर निगम या प्रशासन आदर्श गांव के रूप में देखें? हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा गांव आदर्श गांव होना चाहिए और मैं सरकार से और आपसे भी अपील करूँगा कि मेरे गाँव को जो है आदर्श गाँव कराया जाए। और मैं बहुत कर्मठशील स्वयं प्रधान हूँ, अपने हाथ से काम करने वाला व्यक्ति हूँ और आपने मेरे गांव की सर्वे की है, आपके सामने साक्ष्य है। अच्छा, और क्या क्या कार्य अभी कुछ बाकी रह गए हैं, क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ कमियां रह ही जाती हैं, तो वो कार्य क्या हैं जो अभी कुछ बाकी रह गए हैं? अब ये है, थोड़ा सा नाले वाले का काम रह गया है और थोड़ा लाइट का काम थोड़ा सा रह गया है। हाँ, लाइट का काम थोड़ा सा रह गया है। LNT वाले जो आए थे वो ठेकेदार शरारती थे, उन्होंने ठीक से काम नहीं किया है, सरकार उस पर ध्यान दे रही है, सरकार उस पर काम करा रही है। अच्छा, जब स्वच्छता की बात करते हैं, क्योंकि मैं दर्शकों को बता दूं कि बात स्वच्छता की होती है। जब गांव में आप विकास करते हैं, आप सड़कें बनवा देते हैं, आप शौचालय बनवा देते हैं, तो वहाँ स्वच्छता बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो प्रधान जी, क्या स्वच्छता के लिए भी कोई कदम उठा पाए हैं अभी तक? अभी ऐसा तो कोई कदम नहीं उठाया है, पर आप कह रहे हैं तो उसके लिए विचार करेंगे, ये चाहते हैं। आपके यहाँ जो स्वच्छता कर्मी है वो आ रहा है टाइम? वो टाइम से नहीं आ रहा है, सबसे बड़ी दिक्कत तो वहीं से है हमको। हाँ। अगर हम कहीं फेल हैं तो सरकार ने एक सफाई कर्मचारी दिया है, कम से कम हमारे यहाँ दो तो होने चाहिए, और दो हो तो प्रधान का इतना अधिकार होना चाहिए कि जिससे वो प्रधान की वजह से वो काम करें। अब सारे सफाई कर्मचारी किसी ADO के यहाँ पड़े हैं, कोई BDO के यहाँ पड़ा है, कोई DM साहब के यहाँ पड़ा है। हाँ। ये हमारे सामने दिक्कत आ रही है। हमारे गांव के लिए नियुक्त किया गया है तो गांव में काम करना चाहिए उसको, हमारी बिना अनुमति के, बिना आदेश के चाहे यहाँ चल देते हैं। आज 4 महीने हो गए, 4 महीने से बरौठा के अंदर काम करने लेकिन नहीं आया। बिल्कुल, शासन प्रशासन से इस विषय में आप क्या अपील करेंगे? हाँ, मैंने लिखित में दिया है। हाँ, और क्या कहना, हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए। बिना मेरी अनुमति के जो तनख्वाह निकली है तो उसका जवाब पेश करें, प्रस्तुतिकरण पेश करें उसका। बिल्कुल, ये मैं आपसे अपील कर रहा हूँ। बिल्कुल, जागरूक प्रधान है, जागरूकता ही आदमी को विकास की तरफ ले जाती है। और बिल्कुल सच है, जब वो यहाँ काम करने ही नहीं आ रहा है तो उसको तनख्वाह किस बात की मिल रही है? आप नगर निगम के ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं, क्या उनको इस बात का आपने अवगत करा दिया पहले से? नहीं, नगर निगम से हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारा तो केवल ब्लॉक से मतलब है, ब्लॉक से संबंधित है हम। ब्लॉक में मैंने जो है BDO साहब को कल अपना लिखित में दिया है, उनको अपना पत्र लेटर पेट में दिया है मैंने उनको, और उन्होंने कहा था कि ठीक है आज मैं भेज रहा हूँ, तो आज उसके वो स्वयं सफाई कर्मचारी नहीं आया, उसने अपने बच्चों को भेज दिया, इसकी अवस्था 12 साल की बच्चे की अवस्था है। अच्छा। और स्वयं नहीं आया। अच्छा। हाँ। अच्छा सर, मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा, ईद आ गई है, हमारे हिंदुस्तान में सर सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, ईद पर क्या कहना चाहेंगे हमारे देशवासी? ईद पर हम सभी लोग साथ में ईद को मिलन समारोह मनाते हैं उसका, बहुत बढ़िया तरीके से, हमारे यहाँ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, बहुत अच्छे से हम लोग ईद को जो है मनाते हैं।
जैसे होली मनती है वैसे ईद मनती है, होली से भी और बढ़िया त्यौहार मनाते हैं ईद का। हमारे यहाँ कोई जो है जातिवाद का नारा नहीं है, और हमारे यहाँ वोट में भी सभी ने मिलकर भाजपा सरकार को वोट दिया है। जी बिल्कुल, ये वो जागरूक प्रधान हैं जो हमारे देश के विकास में, हमारे गांव के विकास में सहायक हैं। हम ऐसे प्रधानों को सलाम करते हैं जो आदर्श गांव बनाने की इच्छा रखते हैं मन में। कैमरामैन रवि के साथ में विशाल सक्सेना की रिपोर्ट, स्वतंत्र ए लाइव न्यूज 24, देखते रहिए सच के साथ। जैसा कि आपने देखा, गांव के प्रधान ने बताया कि किस तरीके से गांव में विकास किया गया और गांव की सड़कों और शौचालय भी बन चुकी हैं। उन्होंने कहा कि गौशाला का भी निर्माण करवाया है। ऐसी खास रिपोर्ट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अलाइव 24 न्यूज। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे अलाइव 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।